आकाशर अग्निवर्षा मार्चर ताति जलाइबा परे एप्रिल को नहीं बढ़ी डर ए वर्ष मार्चर हाराहारी तापमात्रा विगत 122 वर्ष रे थिला सर्वाधिक पाणिपाग विभाग कहिछि आगोकु आहुरी 5 दिन कलबल करिवो ताति आभ्यंतरीण ओडिशा रे 5 डिग्री पर्यंत तापमात्रा वृद्धि पाई पारे। तातीर रेकर्ड एथर मार्चर ताति सबुकु बळी जाइछि 1901 मसीहा रे मार्च रे देशरे हाराहारी तापमात्रा 33 डिग्री तले रही थिला। 2010 रे हाराहारी तापमात्रा थिला 33.09 डिग्री किंतु ए वर्ष मार्च रे देशरे हाराहारी तापमात्रा 33.10 रेकर्ड करा जायछि जहां विगत 122 वर्ष रे रेकर्ड ताछुडा मार्च रो अधिकांश दिन देशरे अधिकांश शहर रे पारद 40 डिग्री ऊपर रही थिला। गत 24 घंटे मध्यप्रदेश विदर्भ देशर सबुठ उत्तप्त शहर पलटिता बेले आम राज्य टिटलागढ़ द्वितीय सर्वाधिक उत्तप्त शहर पलटिता विदर्भर तापमात्रा 43.6 डिग्री थी बेले टिटलागढ़ तापमात्रा 43.4 डिग्री। कृषि पानीपाग वैज्ञानिक मतरे दक्षिण भारत प्रवाहित उष्म वायु तापमात्रा वृद्धि प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज रे गोटे प्रतिफलन स्वरूप एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इन फॉर्म ऑफ हीट वेव कंडीशन आम देश में प्रिभेल करुच्ची अस्वाभाविक गुरुचाप क्षेत्र सृष्टि आमर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट सेक्टर जहाँ प्रतिफलन आपणकर बहुत उत्तप्त और ड्राई शुष्क वायु मरुभूमि क्षेत्र आम सेंट्रल इंडिया ओडिशा आड़ को आसुची बर्तमान पश्चिम पवन बहुत आरंभ कला सारा ओडिशा को आसुची जदिबा यह पश्चिम ओडिशा सहित सीमित रोचे उपकूल ओडिशा रे बंगोपसागर पवन बहुत तेनालीपम्रा कम रोचे आकलन करसंता 10 दिन पर्यंत उपकूल तापम्रा बढ़े ना भुवनेश्वर तापम्रा जपरिक 36 डिग्री सेल्सियस रहा किंतु पश्चिम ओडिशा रे तापम्रा बढ़ी बढ़ी जीव हे तो 9-10 तारीख बेलू केत स्थान तापम्रा 45 क्रॉस कर तेपटे भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाक विज्ञान केन्द्र पक्षर सूचना दि जाए राज्यवासी को आहरी 5 दिन छटपट करताति एवं आभ्यंतरण ओडिशा रे तापमात्रा स्वाभाविक ठारु 5 डिग्री पर्यंत अधिक रोचे उपकूल रे स्वाभाविक वाठू सामान्य अधिक रोचे बंगोपसगर उपकूल को जलीय बाष्पूर्ण वायु प्रभाव जो गुड़गुड़ी अधिक अनुभूत हो अभ्यंतरण ओडिशा जो पश्चिम ओडिशा जिला गुड़िक 40 डिग्री किंवा अधिक रोचे से लोक मानी सूचना जारी कर दिन 11 दिन 3 मध्य बाहर को जदि आवश्यकता ना तेणु जातायात निवृत्त रही सूचना जारी कर बौद्धर असंभव स्थित लगातार किसी दिन है तापम्रा 40 डिग्री ऊपर रोचे दिन 10 पर रास्त जांच करहबनी सुवर्णपुर में भी जनजीवन अस्तव्यस्त प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह सांग को पानी जल समस्या लोकों कष्ट कर दिगुणा थंडा पानी दुकान में लगुच सका बाहर की काम को गला बेलू अतिष्ट हो तो जनजीवन पूरा अस्तव्यस्त घर बाहर की निजे निजर काम कला बेलू कठिन हो पड़ी टाण खरा हो पाँच बजे ना घर बाहर गुणगुणी हो बहुत दुख कष्ट पानी टे बहुत सुविधा दरकार पानी जल छत्र दु चार ना होबार जल छत्र है असुविधा होता आगक आहरी बढ़ ताति पानीपाग विभाग दे सतर्कवाणी दिन 11 अपराह्न 3 पर्यंत घर न बाहर छोट पिला और वृद्ध वृद्धा परामर्श दि जा बौद्धर शाश्वत दास सुवर्णपुर सत्यवान पुरोहित और भुवनेश्वर कैमेरामैन संजय साहू निरुपमा बेहरा और मनोज जेना न्यूज 18 ओडिया।